पवित्र स्थल है। जिस पवित्र स्थल से चित्रकूट से अगर ये आवाज जाएगी, और खासकर जहाँ भगवान हम सबके कारनाथ जी के द्वार से जो बात उठेगी वो दूर तक भी जाएगी और बदलाव भी दिखाएगी। कल यूथ कांग्रेस के आया था कि भाजपा सरकार को यहाँ से खत्म हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, और इलेक्शन पूछ लेते भाजपा अपना शिकार लेकिन जो बदायूं में हुआ है, हम सब लोग भगवान के दरबार में खड़े हैं। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि मंदिर में ऐसी घटना हो जाए, वहां का पुजारी ऐसी घटना कर दे या शामिल हो उस घटना में, और पुलिस ढूंढ रही हो। हम तो यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं, कि उन्होंने न केवल जनता को धोखा दिया है, किसानों को, नौजवानों, व्यापारियों को, बल्कि हमारे पूरे भारत देश की जो पहचान थी गंगा जमुनी तहजीब, हम लगातार मिलकर के रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग मिलकर रह रहे हैं, कोई आज से नहीं रह रहे, हजारों साल से रह रहे हैं, और ये जो परंपरा एक दूसरे से मिलने जुलने की है वो एक दिन में नहीं बनी है, हजारों साल में बनी है। ये हमें जिस स्थान पे हम खड़े हैं सरकार इसी को उड़ाना चाहती है, तोड़ना चाहती है। सरकार किसी का नक्शा नहीं देख रही, सरकार का खुद नक्शा खराब है, सरकार का खुद नक्शा खराब है, वो दूसरों के नक्शे चेक कर रही है। यहाँ जो जितने लोग खड़े हैं इनके पूर्वजों ने घर बनाया, ये जो खड़े हैं इनके इस जमाने में पूर्वज ने बनाया होगा, कम से कम 400 वर्ष 400 वर्ष से बना हुआ, इनका कहो 200 वर्ष से बना हो, अरे 200 वर्ष पहले तो कहो तो विभाग नहीं रहा होगा, डीएम नहीं बैठता होगा, जब इनके दादा परदादाओं ने दुकान